बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, गिवन दी टोटल फंक्शन सी इज इक्वल टू क्यू की पावर 3 माइनस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 14 क्यू प्लस 75, राइट आउट ए वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन को लिखना है एंड फाइंड दी डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। दी इंटरप्रेट द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ दैट डेरिवेटिव, और वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का इकोनॉमिक मीनिंग में यानी उसका मीनिंग भी बताना है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। C इज इक्वल टू क्यू की पावर 3 माइनस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 14 क्यू प्लस 75। ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, ये प्लस 75, ये हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मीन यानी मुस्तकिल लागत। ये ऐसी लागत होती है चाहे आपका कारोबार के हालात अच्छे हों या बुरे हों, फिक्स कॉस्ट आपको हर सूरत बर्दाश्त करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग का रेंट, अगर हम 75 को हटा दें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, 75 को नहीं लिखते, ये सारा फंक्शन हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू की पावर 3 माइनस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 14 क्यू। अब हम विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट मालूम हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। क्यू हमारे पास वेरिएबल है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे। डी वी सी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। सारे फंक्शन को इधर लिखेंगे, क्यू की पावर 3 माइनस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 14 क्यू। डी वी सी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्यू की पावर 3 है, जो क्यू की पावर है उसको क्यू के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू का कोफिशेंट क्या 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर रूल का असूल होता है पावर में से 1 को लेस करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 क्यू पावर में से 1 को लेस करेंगे, 3 माइनस का 1। माइनस 2 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 क्यू 2 माइनस 1 प्लस क्यू का कोफिशेंट क्या है 14, तो यहाँ पर 14 आता है। डी वी सी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 3 क्यू, 3 में से 1 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 3 क्यू की पावर 2 माइनस 12, 2 में से 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्यू बचता है 12 क्यू प्लस का 14, ये हमारे पास आंसर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 9, फाइंड दी डिफरेंशिएटल डी वाई। डी वाई के हिसाब से इसको डिफरेंशिएटल करना है। हमारे पास x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम फार्मूला बनाते हैं दूसरे क्वेश्चन का। डी वाई इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स का मतलब ये होता है जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो उसका आंसर आएगा तो वहाँ पे पुट करेंगे। डी एक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 9, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये सारा फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, 2x^2 - 4x + 9 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, x और पावर में से 1 को लेस करते हैं, 2 - 1 माइनस x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, प्लस का 9, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4, 2 में से 1 को लेस करते हैं तो x आता है 4x माइनस का 4। अब हम इस आंसर को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं जो हमारे पास है 4x माइनस का 4 डी एक्स, ये हमारा क्या है आंसर है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।